नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। पिछले वीडियो में हमने सरदार सरोवर डैम से जुड़े बजट और इरिगेशन की सच्चाई को जाना। अब इरिगेशन के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है कैनल नेटवर्क्स, यानी कि नहरों की। 1995-96 में गुजरात के सीएम रह चुके सुरेश मेहता के मुताबिक ओरिजिनल प्लान में 90,389 किलोमीटर ऑफ कैनल नेटवर्क बनाने का जिक्र है। हमें इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला, पर सच्चाई में कैनल्स की लंबाई कम तो हुई है। 2005-06 के गुजरात सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार कैनल नेटवर्क की टोटल लेंथ 75,000 किलोमीटर थी, जो 2016-17 तक आते आते 71,748 किलोमीटर की ही रह गई। अब जानते हैं कि इन 71,748 किलोमीटर में से कितना कैनल वाकई में बनकर तैयार है। आज भी इस पूरे नेटवर्क का 38% कैनल वर्क इनकम्प्लीट है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल जी का कहना है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि अभी भी लगभग 27,414 किलोमीटर का कैनल का काम अधूरा है। इस कैनल को बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट की AIBP स्कीम के तहत गुजरात सरकार को 1996-97 से लेकर 2014-15 तक करीब 8,660 करोड़ रुपए मिले। गुजरात में विकास की गंगा सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रही। 20 साल में गुजरात को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने वाला कोई और नहीं बल्कि गुजरात सरकार खुद है। मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल और लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की खुशी में झूम रही सरकार इसके लिए एक रथ यात्रा करेगी। भाई, जब काम हुआ ही नहीं तो उसकी सफलता के लिए यात्रा किस बात की? इस बात को कोई इनको कैसे समझाए? अब इसका फैसला तो गुजरात की जनता को ही करना होगा कि उन्हें असल सच्चाई पर भरोसा है या सरकार के इन यात्राओं पर, जो बिना किसी मकसद और बिना किसी वजह के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देंगे। अब तक आपने जाना कि कैसे गुजरात सरकार नाकाम रही सिंचाई और कैनल के मामले में। बावजूद इसके कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए, वे लगे हैं अपनी खुद की ही पीठ थपथपाने में। इरिगेशन में आज भी अचीवमेंट मात्र 30% की, कैनल वर्क लगभग 40% इनकम्प्लीट। कैनल बनाना छोड़िए, सरकार तो उसकी लेंथ घटाने में लगी हुई है कि जैसे तैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट दिखाया जाए। खर्चे आसमान छू रहे हैं और बिना सफल हुए भी विजयी जुलूस निकाला जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट फायदा जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, वह था पीने का पानी। टारगेट के अनुसार गुजरात के 9,490 गाँव, 173 अर्बन सेंटर्स और राजस्थान के 124 गांव तक पानी पहुंचाना था। इसमें इरिगेशन के साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी पानी पहुंचाने का प्रावधान है। अक्टूबर 2016 तक केवल 8,188 गांव की ही प्यास बुझाई जा सकी है। 30 साल कठिन परिश्रम के बाद भी आज 15% टारगेट गांव में पानी नहीं पहुंच सका। ये आंकड़े तो सरकार खुद बनाती है, क्या उन्हें अपने ही आंकड़े याद नहीं रहते? पानी पहुंचाना था लोकल रेसिडेंट्स और इंडस्ट्रीज को, लेकिन पहुंच रहा है सिर्फ इंडस्ट्रीज को। सानंद में अभी कुछ महीनों पहले ही लगभग 15 गांव के ग्रामीणों ने मिलकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अगर नहर का पानी टाटा नैनो के प्लांट तक पहुंच सकता है तो उनके गांव तक क्यों नहीं। सानंद में ही कोको कोला के प्लांट को करीब 3 मेगा लीटर यानी 30 लाख लीटर पानी रोजाना दिया जाता है। जनता प्यासी और पानी मिले कोको कोला के प्लांट को। विकास शायद इसी कोल्ड ड्रिंक पर पनप रहा। कैग ने लगातार 2003, 2005 और 2006 की अपनी रिपोर्ट्स में गुजरात सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए, पर उनका कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है। 2006 की रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा का पानी केवल 30% घरों तक ही पहुंच रहा था, और तो और पानी को डाइवर्ट तक कर दिया गया। गांधीनगर को पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट एक्चुअल प्लान में था ही नहीं। कच्छ और सानंद के लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीकर ही अपनी प्यास बुझानी पड़ी। खैर, हमें तो यह लगता है कि जब तक सारे कैनल्स ना बन जाएं, पानी को कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा, तो चलो इंडस्ट्रीज को ही दे देते हैं। यह तो हुई फायदों की बात, अब चलते हैं नुकसान की ओर। इस पूरे प्रोजेक्ट के कारण लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा है। रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के नाम पर ऐसा घटिया मजाक जो भगवान न करे आपके परिवार के साथ हो। एक तो गुजरात को पानी पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के करीब 192 गांवों को या तो पूरा या तो आधा डूबना पड़ेगा। किसी और के फायदे के लिए कीमत MP के आदिवासी और ग्रामीण लोगों को चुकाना पड़ रहा है। करीब 2.5 लाख लोगों को इस डेवलपमेंट की कीमत चुकानी पड़ी है। अब डैम की हाइट बढ़ जाने से और 40,000 लोगों को घर बार छोड़ना पड़ेगा। ऑनरेबल जस्टिस झा के अंडर एक कमेटी का गठन हुआ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा। की फाइंडिंग्स में कई फर्जी रजिस्ट्रीज निकली जो अफेक्टेड परिवारों के नाम से हुई। मध्य प्रदेश शासन का रिहैबिलिटेशन पैकेज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के खिलाफ है। जस्टिस झा के मुताबिक MP गवर्नमेंट ने कोशिशें की थी कि रिपोर्ट ना कंप्लीट हो। कमेटी के सारे फंड्स रोक दिए गए थे इन 7 सालों में। कितनी बुरी स्थिति में यह रिपोर्ट बनी है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कमेटी के पास सिर्फ एक ही रिपोर्ट फाइल करने के पैसे बचे थे। शिवराज मामा अपने भांजे भांजियों की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें डूबने के लिए छोड़ दिया है।
सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जो इसी इंतजार में हैं कि शायद उन्हें भी मुआवजा मिले। इरिगेशन की सच्चाई तो हमने आपको बता ही दी है। अब इस प्रोजेक्ट के कारण कम से कम 30,000 हेक्टेयर जमीन नर्मदा के बैकवाटर्स में समा जाएंगे। उपजाऊ जमीन को छोड़कर अगर आपको सरकार कहे कि आप एक ऐसे जगह स्थापित हो जाएं जहां की मिट्टी पथरीली हो, बिजली की व्यवस्था ना हो, रोड ना हो, बेसिक सुविधाएं ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप एक खबर ढूंढिए, आपको 1,000 मिलेंगे। लेकिन लोग व्यस्त हैं नर्मदा पर बने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की कामयाबी की फेहरिस्त गिनाने में। हमने भी इसी उम्मीद से इस विषय पर जांच की, लेकिन हमें जो पता चला वह सरकार के दावों से दूर दूर तक मेल नहीं खाता। अब आगे गुजरात और मध्य प्रदेश की मर्जी। हमें विश्वास है कि हमारी यह कोशिश कम से कम मध्य प्रदेश और गुजरात के शहरी लोगों तक पहुंचे और वे सबसे रूबरू तो हों कि आखिर उनके हित की रक्षा करने वाली सरकारें बड़े काम करने में इतने व्यस्त हैं कि उनसे छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि उन्होंने हमेशा बड़ा काम किया है, अगर उनके बड़े काम का मतलब यहाँ निकालें तो शायद डैम बनाने और उसकी हाइट बढ़ाने से है। बेशक उनका यह बड़ा काम हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो छोटे काम जिनके कारण आज भी इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की हालत में खास सुधार नहीं हुआ है, उनको कौन करेगा? 30 साल में 30% इरिगेशन टारगेट अचीव किया, 40% कैनल वर्क आज भी इनकम्प्लीट है, पानी गांव तक पहुंचने के बजाय पहुंच रहा है कोका कोला और टाटा नैनो के प्लांट्स तक। सरोवर प्रोजेक्ट में से अगर मुझे कोई चीज बदलनी हो तो सबसे पहले मैं सरदार हटाना चाहूंगा। सरदार पटेल की आत्मा इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से काफी दुखी होगी, कम से कम मैं उनकी इस पीड़ा का हल तो कर सकता हूँ। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की यह कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने पब्लिक डोमेन से ही निकाली है, लेकिन आज भी मीडिया इन सारी इन्फॉर्मेशन पे सरकारों को घेरने के बजाय वाहवाही में लगा हुआ। आपके फीडबैक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।